बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अंडे और बेसन का मज़ेदार हलवा तैयार कर रहे हैं। उसके लिए हमें एक पाव बेसन चाहिए, एक पाव घी, एक पाव चीनी, चार अंडे, छः सब्ज़ इलायची, आधा किलो दूध, टीस्पून केवड़ा। चीनी को अच्छी तरह पीस लीजिए और इसे आइसिंग शुगर बना लीजिए। अब इसको अंडों में शामिल कर दीजिए। इसमें चीनी इस तरह की होनी चाहिए कि जिसमें एक भी दाना ना हो। अब इसमें दूध भी शामिल कर दीजिए। इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है। इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग शामिल कर दीजिए, इससे बहुत खूबसूरत कलर आएगा। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। एक पैन में घी डालें और बहुत स्लो फ्लेम पर उसको गर्म करें। चलें अब हलवा बनाना शुरू करते हैं। घी गरम हो चुका है, अब हमने इसमें इलायची शामिल कर दी है। अब इसमें बेसन डालकर हम भूनेंगे और याद रखिए कि फ्लेम बहुत स्लो हो। इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहें उस वक्त तक कि जब तक बेसन की खुशबू ना आ जाए और बेसन अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए। याद रखिए कि इसमें फ्लेम बहुत स्लो रखनी है और इसको मुसलसल चलाते रहना है। बेसन का कलर बिल्कुल ख़राब नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह मिक्स होना चाहिए। थोड़ी देर मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन ये बहुत टेस्टी हलवा तैयार होगा। अब इसमें सिर्फ एक एक दो दो कतरे की सूरत हम अंडे का मिक्सचर शामिल करेंगे और मुसलसल चम्मच हिलाएंगे, मुसलसल। इसी तरह हम सारा अंडे का मिक्सचर इसके अंदर शामिल कर देंगे। हलवे को मुसलसल चम्मच से हिलाते रहना है, चम्मच चलाते रहना है और बिल्कुल भी नहीं रुकना। ये देखिए मुसलसल इसको हिलाते जाएं। अभी इसको बहुत सारा हमने मिक्स करना है। स्लो फ्लेम रखिएगा। इसी तरह चम्मच चलाते जाएं। बहुत शानदार हलवा तैयार हो रहा है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। देखिए हलवा तैयार होना शुरू हो चुका है। चम्मच तेज तेज हिलाएं, बिल्कुल भी नहीं रोकना। हलवे ने किनारे छोड़ दिए हैं, हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बना है। अब इसमें हम केवड़ा डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। हलवे को हमने डिश में डाल दिया है और इसको हम अब प्लेन कर रहे हैं। मजेदार बेसन और अंडे का हलवा तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।